इसकी सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो सबसे पहला हमारा इसमें जो शब्द है वो है बिंदु। बिंदु क्या होता है, जब हम कोई भी बुक में या कोई भी एक पेज पे अगर हम एक छोटा सा डॉट रख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। यदि कहीं पर भी हम कोई डॉट रख देते हैं तो डॉट को ही हम बिंदु कहते हैं। इसके बाद अगला है रेखा। रेखा क्या होती है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात होती है। यदि हम मान लीजिए कोई एक पेज है, व्हाइट पेज है, उसको हम यदि मोड़ देते हैं तो उसमें एक सीधी रेखा बन जाती है जो कि अनंत तक रहती है। जैसे कि ये है, इसको इस साइड काफी समय था यानी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है और इसको इस साइड भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसको क्या कहेंगे, हम रेखा कहेंगे। तो रेखा की डेफिनेशन ये है कि एक सीधी पतली रेखा जिसे हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं उसको हम रेखा कहेंगे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम तल की। तल क्या होता है, मान लीजिए कोई भी पुस्तक है, कोई भी पुस्तक है या इसी पेपर की बात करें तो ये ऊपरी सरफेस जिसको लंबाई और चौड़ाई अनंत तक होती है उसको हम कहते हैं तल। ठीक है ना, यानी सरफेस जो होता है हमारा वो तल कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड क्या होती है, अब देखो रेखा समझिए, अब रेखाखंड क्या है, यदि रेखा में हम यहाँ पर दो डॉट लगा दे, दो बिंदु रख दे, ए और बी, तो ये क्या कहलाएगी, रेखाखंड कहलाएंगे। और रेखा को हमेशा हम ए बी के ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे, रेखा को हम इससे डोनेट करते हैं और ये रेखाखंड को ए और बी, तो ये क्या हो गई, रेखाखंड है। यानी इसकी लंबाई सीमित है जबकि रेखा की लंबाई असीमित है और रेखाखंड की लंबाई सीमित है। यानी रेखा को हम दोनों साइड अनंत तक बढ़ा सकते हैं जबकि रेखाखंड का को ए और बी यानी इसकी सीमा एक्स की एक प्रॉपर लंबाई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किरण की। किरण क्या होती है, किरण को एक साइड स्थिर रहती, यानी यहाँ पर हमने एक बिंदु रख ली या हम कहें कि रेखा को यदि हम दो भाग में बांट दे तो ओ से ए तक, तो ये क्या हो जाएगी, एक प्रकार की किरण, और एक ये किरण हो जाएगी ओ से लेकर के बी तक की, ये क्या हो जाएगी, किरण। तो यहाँ से आप क्या समझे, इसका मतलब क्या है कि किरण में एक साइड तो स्थिर रहेगा और एक साइड इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं किरण क्या होती है, सूर्य के प्रकाश से मान लीजिए कोई किरण आ रही है तो सूर्य से तो निकल रही लेकिन यहाँ कहाँ तक आ रही, वो अनंत तक कह सकते हैं हम। तो उसी प्रकार से हम मान लें कि किरण को एक साइड अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं समांतर रेखा क्या होती है। दो रेखाएं मान लीजिए, ये दो रेखा, रेखा क्या होती है जिसको दोनों साइड अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो दो रेखाएं एल और एम है जिनके बीच की दूरी हमेशा हर जगह समान होती है, जिनके बीच की दूरी हमेशा हर जगह समान होती है वो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी। यानी दो रेखाएं हैं और यानी उनके बीच की दूरी एक हर जगह समान है तो वो क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं। क्लियर, और ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इन्हें अनंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, अब हम उसको समझ लेते हैं। तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को जहां पर कट कर दे। मान लीजिए दो रेखाएं हैं, एक हमने मान लीजिए एल है और एक एम है। देखो रेखा मतलब ये अनंत तक, ठीक है ना, रेखाएं का मतलब दोनों साइड इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस रेखा को हम इस साइड अनंत तक बढ़ाएं और इस रेखा को इस साइड अनंत तक बढ़ाएं तो जहां पर एक दूसरे को कट कर देती हैं तो ये ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। यानी एक दूसरे को कट करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है और ये वाली समांतर रेखाएं कहती है, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, अगला शब्द हमारा संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होता है, एक ऐसा ऐसी रेखा जिसपे बहुत सारे बिंदु स्थित होते हैं तो उन बिंदुओं को मिलाते हुए खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। मान लीजिए एक ए है, एक ओ है, एक बी है, ये हमने यहाँ पर बिंदु है और इनसे एक रेखा होकर के गुजर गई, जो इन सभी से होकर के गुजर गई है एक रेखा और ये उसमें बिंदु स्थित है इसलिए इसको बोलते हैं संरेख बिंदु। यानी एक ही रेखा पर स्थित बिंदु को क्या करेंगे, संरेख बिंदु। क्लियर, अगर हमने कोई डॉट रख दिया तो ये कई बार क्वेश्चन आया है कि यदि किसी डॉट से कितनी रेखाएं होकर गुजर सकती है, तो हम जानते हैं रेखा क्या होती है कि
अनंतता खींची जा सकती है। तो ऐसे हम इससे कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं? इससे हम अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। किसी भी बिंदु से हम अनंत रेखाएं गुजारी जा सकती हैं। तो किसी भी डॉट यानी बिंदु से कितनी रेखाएं गुजारी जा सकती हैं? अनंत रेखाएं। और संग्रामी रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर एक ही बिंदु पर काटती है तो वो क्या कहलाएंगी? संग्रामी रेखाएं। यानी संगामी यानी एक स्थान से गुजरने वाली सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं। क्लियर? तो ये तो थे कुछ बेसिक डेफिनेशन, कुछ बेसिक परिभाषाएं। इसके बाद हम ये एंगल देखते हैं कि किस एंगल को किस कोण को क्या बोला जाता है। यदि वो 0 डिग्री है तो हम उसको क्या कहेंगे? शून्य कोण कहेंगे। इसके बाद यदि वो 0 से 90 के बीच में है तो उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। इसके बाद यदि 90 डिग्री है तो उसको क्या कहेंगे? समकोण, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसके बाद 90 से 180 के बीच में है तो उसको कहेंगे अधिक कोण। यदि 180 डिग्री है तो उसको क्या कहेंगे? ऋजु कोण कहेंगे। ठीक है ना? यदि 180 और 360 के बीच का कोण है तो उसको कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण। और यदि 360 डिग्री का है तो उसको कहेंगे संपूर्ण कोण, यानी वो पूरा कोण है इसलिए बोलते हैं संपूर्ण कोण। क्लियर? तो ये एंगल भी आपको पता होना चाहिए। 0 डिग्री यानी शून्य कोण, न्यून कोण मतलब 90 से कम और 0 से अधिक वाले कोण को न्यून कोण कहेंगे। 90 और 180 वाले बीच के कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण। और 90 को तो पता ही है आपको समकोण कहते हैं। ऋजु कोण 180 डिग्री को ऋजु कोण कहते हैं। 180 और 360 के बीच को प्रतिवर्ती कोण कहेंगे और 360 डिग्री को समकोण कोण। तो ये कुछ एंगल है, ये इनका नॉलेज भी आपको ज्यामिति में होना चाहिए, तभी आप ज्यामिति को कवर कर पाएंगे। क्लियर? इसके बाद देखते हैं हम अगले डेफिनेशन। जैसे कि एक ये आसन्न कोण क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे डेफिनेशन आपको बहुत काम आएंगी। ये आप बिल्कुल नहीं सोचे कि यार ये क्या डेफिनेशन वगैरह पढ़ा रहे। यदि आपको आसन्न कोण नहीं रहेगा पता या कोई भी कोण मान लो, यदि कोई भी डेफिनेशन आपको नहीं पता तो आप उसके आगे उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो आपको उनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। जैसे कि आसन्न कोण क्या होता है? अब एक ही तल पर स्थित दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही हो। यदि जैसे कि मान के चले उनमें, और आगे क्या है, उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दूसरी भुजा उभयनिष्ठ के विपरीत हो। जैसे कि मान लीजिए ये एक एंगल दिया है ए ओ वी बी ओ सी, तो ये क्या कोण है? आसन्न कोण कहलाते, क्योंकि इसमें देखो एक भुजा जो ये बी वाली ये उभयनिष्ठ है, ये इस वाले एंगल के लिए भी है और इस वाले एंगल के लिए भी है। तो एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक भुजा दूसरी भुजा के विपरीत हो तो उनका शीर्ष एक ही है। और ये यहाँ पर इनका ये यहाँ पर काटेगी, ये यहाँ पर काटेगी और ये यहाँ पर कर, तो ये क्या कहलाएगा? आसन्न कोण कहलाएगी। क्लियर? अगर हम इसी में बात करें, यदि हम कहें कि कोण यहाँ पर लिख दिया हमने कोण ए ओ बी, ए ओ बी और कोण ए ओ सी, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर हम देखो एक ये वाला कोण ले लें और एक कोण ले लें हम ये वाला, एक कोण ये वाला ले लें, ये छोटा वाला ले लें, तो ये आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे। क्योंकि आप कहोगे भैया इसमें तो ये उभयनिष्ठ है, ठीक है उभयनिष्ठ तो है, ये ओसी तो उभयनिष्ठ है, लेकिन बीच वाली भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है ना। इसके एक इस साइड रहनी चाहिए भुजा, जो उभयनिष्ठ है वो बीच में आनी चाहिए और एक इस साइड। तो उभयनिष्ठ का मतलब कि दोनों में कॉमन हो, ये तो सही है, लेकिन वो उभयनिष्ठ वाली भुजा बीच में आनी चाहिए। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है कि आसन्न कोण किसे कहते हैं? जब एक ही तल पर दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक भुजा जो है उभयनिष्ठ हो, उसके अपोजिट दोनों भुजाएं हो, उनकी दो भुजाएं जो विपरीत हो, तो ये क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण। अगला देखते हैं हम पूरक कोण। पूरक कोण क्या होती है? जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये क्या है 30 डिग्री है। तो यदि 30 और 60 क्या हो गया 90 डिग्री, तो इन दोनों कोणों को मिलाकर के पूरक कोण कह सकते हैं।
या हम ऐसा भी कह सकते हैं, मान लीजिए कोई एक ही तल पर है और एक 30 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है, तो इन दोनों को यदि हम मिला दें तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, तो इन दोनों को भी हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि ये एक ही उसमें होना चाहिए, नहीं, अलग अलग भी है, और यदि उन दोनों कोणों का माप 90 डिग्री है तो उनको क्या कहेंगे हम, पूरक कोण। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, इनको ज्यादा नहीं, बस एक बार आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। इसके बाद देखते हैं अगला, ये संपूरक कोण। तो देखो अभी पूरक कोण मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री, मतलब जब दो कोणों का माप, यदि दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री होता है तो उसे बोलते हैं संपूरक कोण। और इसमें क्या है कि प्रत्येक कोण का रैखिक योग होना जरूरी नहीं है, वही है जो मैंने अभी इस वाले पूरक कोण में बताया कि जरूरी नहीं कि वो एक ही तल पर स्थित हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। यानी एक ये 60 डिग्री का है और एक ये 120 डिग्री का है, तो इन दोनों को यदि हम मिला के बात करें तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। जिस प्रकार से पूरक में था कि दो अलग अलग कोण भी पूरक कोण कहलाएंगे, उसी प्रकार से दो अलग अलग कोण मिलकर के संपूरक कोण भी कहलाएंगे यदि उनका योग 180 डिग्री हो तो। क्लियर? इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। क्लियर? अब देखते हैं अगली डेफिनेशन। इसको अब देखते हैं रैखिक युग्म में क्या होते हैं, रैखिक युग्म क्या होते हैं, जब दो कोण मिलकर या दो आसन्न कोण मिलकर सरल रेखा बनाते हैं तो उसे रैखिक युग्म कहते हैं। अब आसन्न कोण क्या होता है, हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, जिसमें एक भुजा क्या हो उभयनिष्ठ हो, उसके मतलब दोनों साइड दो भुजाएं हो, तो वो सब मिल करके क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहलाए। तो अब ये आसन्न कोण तो है लेकिन ये रैखिक युग में भी बनाते हैं, मतलब ऐसा आसन्न कोण जो एक रैखिक युग बनाते हो, यानी एक सीधी रेखा बनाते हो मिल करके, तो वो क्या कहलाएंगे, रैखिक युग कहलाएंगे। मतलब ये दोनों आसन्न कोण है, यानी ये और ये, इनके बीच की जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है, इसके इस साइड एक भुजा है और इसके इस साइड भी एक भुजा है, तो ये कोण है आसन्न कोण है, लेकिन ये रैखिक युग में भी निर्माण करते हैं। तो दो कोण मिलकर, ये दो आसन्न कोण मिलकर सरल रेखा बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। क्लियर? अब देखते हैं अगला, शीर्ष अभिमुख क्या होते हैं। ये इसे आप बहुत भली भांति परिचित होंगे, ये तो आपने कई बार सुना होगा। शीर्ष अभिमुख यानी दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाए गए ऐसे दो कोण जिसमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो, शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। यानी कह सकते हैं कि दो भुजाएं सीधे जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनसे जो कोण का निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एल और एन, ये दो क्या है, रेखाएं कह लो, ठीक है ना, ये दो रेखाएं हैं और जब एक दूसरे को ये क्रॉस करती है तो ये क्या बनाती है, शीर्ष अभिमुख कोण बनाती है। एक का शीर्ष अभिमुख दो है और तीन का शीर्ष अभिमुख चार है, यानी उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, जो ये एल और एम, ये क्या होना चाहिए, रेखा होनी चाहिए, सीधी रेखा होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया है, तो क्या ये कोण बराबर होंगे, आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे, एक और तीन कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेखा है ही नहीं, ये क्या है, रेखा है ही नहीं, तो दो रेखाएं होनी चाहिए। यदि दो रेखाओं से निर्मित रेखाएं कभी तिरछी नहीं हो सकती, तो ये रेखाएं हैं, तो दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से निर्मित कोण क्या कहलाते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं, आमने सामने की, ये इसके आमने सामने के कोण शीर्ष अभिमुख, इसके आमने सामने के कोण शीर्ष अभिमुख। यदि दो रेखाएं के द्वारा निर्मित है तो शीर्ष अभिमुख कोण हमेशा समान होंगे। क्लियर? लेकिन इस कंडीशन में शीर्ष अभिमुख समान नहीं होंगे, तो इसमें कंडीशन सिर्फ इतना है कि वो रेखाएं होने चाहिए और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने चाहिए, तो उनसे निर्मित कोण जो होते हैं आमने सामने के, वो क्या कहलाते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण, और ये हमेशा समान रहते हैं। यानी कोण एक बराबर कोण दो, कोण तीन बराबर कोण चार। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद देखते हैं हम ये अगला, इसमें क्या है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखा हम जानते हैं जिसको हम दोनों साइड बड़ा अनंत तक बढ़ा सकते हैं, दो समांतर रेखा को जब तीसरी रेखा उसको क्या करे, प्रतिच्छेद करती है, तो जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वहां पर कुछ एंगल बनेंगे, कुछ क्या बनेंगे, एंगल बनेंगे, तो उन एंगल के बारे में अब हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। देखो ये भी रेखा है लेकिन ये समांतर रेखा नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी हर जगह समान नहीं है,
यहाँ पर दूरी कुछ और है और यहाँ पर दूरी कुछ और है, तो ये समांतर रेखाएं नहीं है, तो रेखाएं लेकिन ये समांतर नहीं, लेकिन ये रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं। क्लियर? तो अब यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे उसमें कि क्या उसमें कंडीशन आएगी, कौन से कोण बराबर नहीं होंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में कौन से कोण बराबर रहेंगे। तो ये देखो बाह्य कोण कौन कौन से कहलाएंगे, ऐसे कोण जो बाहर हो, सीधी सी बात है, जैसे 1, 2 और 7, 8, तो ये क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण। और अंतः कोण क्या कहलाएंगे, 5 और 6 और 3 और 4, ये क्या कहलाएंगे, अंतः कोण। और एक ही तल पर जैसे E है, इन दोनों को मिला दे तो 180 डिग्री हो जाएंगे, और इन दोनों को मिला दे तो 180 डिग्री हो जाएंगे, इन दोनों को मिला दे तो 180, इन दोनों को मिला दे तो एक ही ओर के अंतः कोण या बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर? इसके बाद देखते हैं हम इसमें संगत कोण क्या है। संगत कोण का मतलब होता है जैसे कि 2 और 6 एक दूसरे के क्या है, संगत कोण। तो यहाँ देखो यहाँ भी संगत कोण है, तो क्या ये संगत कोण आपको लग रहा है ये बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो संगत कोण तभी बराबर होते हैं जबकि दो रेखाएं समानांतर हो, यदि उनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए तभी संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, नहीं तो ये संगत कोण बराबर नहीं हो सकती। क्लियर? तो संगत कोण के बराबर होने की कंडीशन है। हाँ, यदि सीसा विमुख कोण है तो सीसा विमुख कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर रहेंगे, लेकिन संगत कोण कब बराबर होंगे, जब दोनों रेखाएं समानांतर हो। तो यहाँ पर संगत कोण कौन कौन है, 2 और 6, 1 और 5, ठीक है, इसके बाद 8 और 4, 3 और 7, ये क्या है, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद देखते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ पर एकांतर कोण कौन कौन बनेगी, देखो 4 और 5, ये 4 और ये 5, एक का अंतर कह सकते हैं। देखो इसके नीचे ये है तो एक का अंतर, तो ये क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण, ये और ये और ये और ये एकांतर क्या कहला, ये क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। जैसे 1 और 8, तो इसको एक का अंतर, इसके अपोजिट ये है और यहाँ पर ये बाजू से, तो एक को छोड़ करके एक का अंतर, एकांतर कोण। जैसे 2 का एकांतर, ये कहलाएगा 7। क्लियर? और यहाँ पर 1 का एकांतर 8, तो ये क्या कहलाएगी, एकांतर कोण। ये भी बराबर कब होंगी, जब दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर हो। यदि दोनों रेखाएं समांतर नहीं है तो एकांतर कोण बराबर नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ से देख लें, यहाँ 3 का एकांतर कोण क्या है, 8 है, तो देखो ये कितना है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है और ये 90 डिग्री से कम है, तो एकांतर कोण क्या बराबर होंगे, नहीं होंगी, अगर वो दोनों रेखाएं क्या है, समांतर नहीं है। तो एकांतर कोण और संगत कोण कभी भी बराबर नहीं रहेंगे। जबकि इसके बाद बचता क्या है, सीसा विमुख कोण। तो सीसा विमुख कोण मतलब जैसे 8 है और 5, 6 और 7, 1 और 4, 3 और 2, तो ये सीसा विमुख कोण तो हमेशा बराबर रहेंगे, चाहे वो समांतर रेखाएं रहे या ना रहे, क्योंकि ये क्या है, एक रेखा पर डिपेंड करता है, एक पिछली रेखा पर डिपेंड करता है, इसलिए इस कंडीशन में सीसा विमुख कोण हमेशा बराबर रहते हैं, क्योंकि इसको समांतर रेखा से मतलब ही नहीं है ना, ये पर्टिकुलर एक दो रेखाओं से बनती है और ये हमेशा 3 रेखाओं से बनती है, एक प्रच्छेद करनी चाहिए और 2 समांतर होनी चाहिए, कौन, संगत कोण और एकांतर कोण। तो ध्यान रखना आप कि संगत कोण और एकांतर कोण तभी समांतर तभी समान रहेंगे, तभी बराबर रहेंगे, जब दोनों रेखाएं समानांतर। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब हम अगले चैप्टर में जो है इसकी कुछ और बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम शुरू करेंगे इसके क्वेश्चन, क्योंकि यदि हम इन डेफिनेशन को नहीं समझते तो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हमें इन डेफिनेशन को या जो इसमें जो शब्द यूज हो रहे हैं, जब तक हम उनका मतलब नहीं जानेंगे तब तक हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो थैंक यू दोस्तों।